नई सुबह ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा दुनिया से कॉलम पेश है इस्सा असेंबली की बर्तरी का। कॉलम निगार हैं बैरिस्टर हमीद बाशानी और आवाज है नादिया सबा की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubah.org। आजकल दो मामलात पर आम बहस हो रही है, एक असेंबली की बालादस्ती और बर्तरी है और दूसरी आईन और कानून की हुक्मरानी है। अगर इन मामलात का तारीख की रोशनी में जायजा लिया जाए और पहली आईन साज असेंबली से इसकी शुरुआत की जाए तो कई होशरुबा इंकशाफात होते हैं। पाकिस्तान की पहली आईन साज असेंबली में कायदे आजम ने कई मामलात पर मुख्तसर इजहार ख्याल किया, उनमें रिश्वत, अकरबा परवरी और करप्शन जैसे कई मामलात शामिल थे, लेकिन दो मामलात ऐसे थे जिन पर कायदे आजम ने ज्यादा जोर दिया। एक ये कि आईन साज असेंबली एक मुक्तदर इदारा है जिसके पास सब इख्तियारात हैं, और दूसरा ये कि पाकिस्तान में तमाम शहरियों के साथ बिला तफरीके रंग नस्ल और अकीदे के मसावी बर्ताव किया जाएगा और रियासत के नज़दीक सब शहरी बराबर होंगे। आगे चलकर कायदे आजम की वफात के बाद यही दो नकात थे जिन पर कायदे आजम के ख्यालात, अफकार और वाज़े अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। असेंबली की मुक्तदर और सुप्रीम हैसियत को न सिर्फ बार बार चैलेंज किया गया बल्कि कई बार ताकत, धौंस और धांधली से असेंबलियों को बर्खास्त किया गया और इसकी जगह शख्सी और मुतलिकुल अनान हुकूमतें कायम होती रहीं। अगर पाकिस्तान की तारीख पर नजर डाली जाए तो शायद ही कोई ऐसा दौर गुजरा हो जब किसी न किसी तरीके से असेंबली के इख्तियारात और बालादस्ती को चैलेंज करने की कोशिश ना हुई हो। अक्सर अदवार तो ऐसे गुजरे जब अवाम के मुंतखिब नुमाइंदों को बर्खास्त करके ऐवानों में मन पसंद अफराद को बिठाया जाता रहा जो मुतलिकुल अनानियत के साए में कानून साजी का किरदार अदा करने की कामयाब अदाकारी करते रहे। इस तवील सिलसिला अमल में एक ऐसा माहौल बन गया कि 70 साल बाद आज भी असेंबली की मुक्तदर हैसियत और बालादस्ती को मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं किया गया। आए रोज ऐसे मामलात होते हैं जिनमें असेंबलियों के इख्तियारात को संगीन चैलेंज का सामना करना पड़ता है। आए रोज मीडिया पर ऐसी ऐसी कहानियां सामने आती हैं जिनमें असेंबली के इख्तियारात और हैसियत को नजरअंदाज किया जाता है। ऐसे किस्से सुनाए जाते हैं जिनमें बताया जाता है कि किस तरह चंद अफराद ये फैसला करते हैं कि इस मुल्क का हुक्मरान कौन होगा और इसके इख्तियारात और हुदूदों को युद्ध क्या होंगी। इस बाब में अंदरूनी और बैरूनी साजिशों पर मुश्तमिल इन किस्सों का निचोड़ ये होता है कि आज भी इन अहम मामलात के फैसले असेंबली मेंबरान नहीं करते, या तो कोई उन्हें बताता है कि उनको क्या फैसला करना चाहिए या वो खुद किसी की तरफ देखते हैं कि उनको बताया जाए कि उन्हें क्या करना है। इनमें लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन लीडर के इंतखाब से लेकर एतमाद और अदम एतमाद की तहरीकों में वोट कास्ट करने तक हर अहम मामला शामिल होता है। कायदे आजम की हिदायात और ख्यालात को सिर्फ असेंबली की बालादस्ती और बर्तरी तक ही नजरअंदाज नहीं किया गया बल्कि इस मुल्क में मजहबी रवादारी और अकलियतों के सवाल पर भी कायदे आजम के अफकार को यकसर रद्द कर दिया गया। इन दो मौजूआत पर पहली आईन साज असेंबली में खिताब करते हुए कायदे आजम ने जो कहा उसका खुलासा ये है के जनाबे सदर, खवातीनों हजरात, मैं इंतहाई खुलूस के साथ आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस एजाज से नवाजा है, मुझे अपना पहला सदर मुंतखिब किया है। ये सबसे बड़ा एजाज है जो इस खुद मुख्तार असेंबली के लिए मुमकिन है। मैं इन कायदीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। दस्तूर साज असेंबली को दो अहम काम अंजाम देने हैं। पहला, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के आइन की तश्कील का बहुत मुश्किल और जिम्मेदाराना काम है, और दूसरा, पाकिस्तान की वफाकी मुकन्नना के तौर पर एक मुकम्मल खुद मुख्तार इदारे के तौर पर काम करना है। हमें पाकिस्तान की वफाकी मुकन्नना के लिए एक उबूरी आइन को अपनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना है। आगे चलकर उन्होंने कहा कि पहली और सबसे अहम चीज जिस पर मैं जोर देना चाहूँगा वो ये है कि याद रखें, आप अब एक खुद मुख्तार कानून साज इदारा हैं और आपको तमाम इख्तियारात हासिल हैं। इसी असेंबली के पहले इजलास में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अकलियतों के हवाले से वो बातें की जिनकी वजह से इस खिताब को तारीखी खिताब कहा जाता है।
इस तकरीर में कायदे आजम ने कहा, आप आजाद हैं, आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आजाद हैं, आप अपनी मस्जिदों में जाने के लिए आजाद हैं, या इस रियासत पाकिस्तान में किसी भी और इबादत गाह में जाने के लिए आजाद हैं। आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो सकता है, इसका रियासत के कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, तारीख बताती है कि इंग्लिस्तान में सूरत हाल इससे कहीं ज्यादा खराब थी, जो आज हिंदुस्तान में है। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट एक दूसरे को प्रोसिक्यूट करते थे। यहाँ तक कि आज भी ऐसी रियासतें मौजूद हैं जिनमें एक खास तबके के खिलाफ इम्तियाजी सलूक किया जाता है और खास तबके पर पाबंदियां आयद की जाती हैं। खुदा का शुक्र है कि हम उस दौर से शुरू नहीं कर रहे, हम एक ऐसे दौर से शुरू कर रहे हैं जिसमें कोई मुतनाज़े सलूक नहीं है। एक कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी में कोई फर्क नहीं है, एक जात या अकीदे और दूसरे के दरमियान इम्तियाज नहीं किया जाता। हम इस बुनियादी उसूल के साथ शुरू कर रहे हैं कि हम सब शहरी हैं और एक रियासत के बराबर शहरी हैं। इंग्लिस्तान के लोगों को एक वक्त में हकायक का सामना करना पड़ा था, जब वो अपने फराइज की अदायगी और अपने मुल्क की तरफ से डाला गया बोझ उठाने के लिए कदम ब कदम आग से गुजरे। आज आप इंसाफ से कह सकते हैं कि रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का कोई वजूद नहीं है। आज इंग्लिस्तान का हर आदमी एक शहरी है, बराबर का शहरी, और वो सब एक कौम के अफराद हैं। अब हमें इसको एक आइडियल के तौर पर सामने रखना चाहिए और आप देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे, मजहबी मानों में नहीं, क्योंकि ये हर शख्स का जाती अकीदा है, बल्कि सियासी मानों में पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से। पाकिस्तान के क्याम से चार दिन पहले पहली आइन साज असम्बली का इजलास 10 अगस्त 1947 को सिंध असेंबली बिल्डिंग में हुआ। उस असेंबली के बारे में बेशुमार बातें ऐसी हैं जिनसे पाकिस्तान के आम लोग तो कुजा, कई दानिश्वर भी आगाह नहीं हैं। इनमें एक अहम बात यह है कि उस असेंबली का इंतखाब 1946 में हिंदुस्तान की तकसीम से एक साल पहले हुआ था। इन मानों में उस असेंबली के मेंबरान पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं थे, लेकिन उस वक्त के हालात के मुताबिक उन्ही मेंबरान को, जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुंतखब हुए थे, पाकिस्तान की पहली असेंबली के मेंबरान करार दिया गया। ये असेंबली जिसके सदर कायदे आजम थे और जिनके अफकार और ख्यालात से उस असेंबली को बराह रास्त इस्तेफादा करने का भी मौका मिला, ये असेंबली आगे चलकर उनकी तवक्कुआत पर किस हद तक पूरा उतरी, अपनी मुक्तदर हैसियत और बरतरी को बरकरार रखने और मुल्क का आईन बनाने में इसने क्या कामयाबी हासिल की, इसका अहवाल आइंदा किसी कॉलम में बयान किया जाएगा। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।